जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट SARS। आज जो हमारे पास लेक्चर है हमने SARS को डिस्कस करना है। अगर हम SARS से पहले देखें कि हमने SARS से पहले क्या डिस्कस किया, तो बेसिकली जो आपके पास चैप्टर है वो एसिड बेसिस एंड SARS है। तो SARS से पहले डियर स्टूडेंट्स हमने एसिड और बेसिस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी उनको डिस्कस किया। इसके बाद हमने एसिड और बेसिस के बारे में जो डिफरेंट कंसेप्ट्स थे, जिसमें आर्गेनियस कंसेप्ट था, जिसमें लोरीब्रोस्टेड कंसेप्ट था, जिसमें लीवस कंसेप्ट था, जिनमें हमने देखा कि कौन कौन से सब्सटेंसेस जो हैं वो एसिड्स हैं या बेसिस हैं। इसके बाद या स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा, इनकी इस्तेमालात, इनकी यूजेस को देखा, एसिड्स के यूजेस को देखा, बेसिस के यूजेस को देखा। उसके बाद हमने देखा पीएच को डिस्कस किया। अब पीएच में डियर स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि कौन सा सॉल्यूशन वो एसिड है या बेस है, और कौन सा सॉल्यूशन किस हद तक एसिड है, किस हद तक बेस है। हमने देखा कि किस सॉल्यूशन की जो एसिडिटी या बेसिसिटी कितनी है। इसके बाद हमने इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात की, हमने इंडिकेटर्स की बात की, पीएच मीटर की बात की। तो डियर स्टूडेंट्स आज जो हमने डिस्कस करना है वो हमने SARS को करना है। तो SARS के बारे में मैं आपको पहली बात बता दूं कि दीज आर द आयोनिक कंपाउंड। SARS बेटा आयोनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होंगे बेटा? आयोनिक कंपाउंड। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर, व्हाट डू यू मीन बाय आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में जो आपने डिस्कस किया था कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या हैं, जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो किसी एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफर से जो कंपाउंड या जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को आप आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और जिस सब्सटेंस के अंदर, जिस कंपाउंड के अंदर ये आयोनिक बॉन्ड मौजूद होगा उस कंपाउंड को या उस सब्सटेंस को आप क्या कहते हैं भला? हम आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सोडियम की, अब सोडियम क्या करता है, सोडियम के आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो, और इसको अगर फॉर क्लोरीन के साथ ऐड करते हैं तो क्लोरीन के आउटर मोशन में जो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, इसमें होगा क्या, एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली दूसरे के पास ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा उसे आप डोनर कहेंगे, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसे आप एक्सेप्टर कहेंगे। क्या कहेंगे भला इसको? एक्सेप्टर। अब हुआ क्या, इन दोनों के, एक एटम के दूसरे एटम के पास, एक एटम से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दूसरे एटम के पास ट्रांसफर हुआ, जिससे जब सोडियम ने एटम को क्या किया, अपने अंदर से एटम को, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया, तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो इस पर क्या हुआ, तो इस पर डेस को नेगेटिव चार्ज आ गया, और इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डेवलप हुई, जिसके नतीजे में क्या बन गया, एक कंपाउंड, ये आयोनिक बॉन्ड बन गया NaCl, और बनने वाला जो कंपाउंड था उसे हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। और बात क्या की हमने कि SARS आर के जो SARS होते हैं डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द आयोनिक कंपाउंड। ये आपके पास क्या होंगे, आयोनिक कंपाउंड होंगे। ठीक हो गया। इसके बाद उसने दूसरी जो बात की है डियर स्टूडेंट, उसने कहा दीज आर फॉर्मड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बेसिकली एसिड और बेसिस के, बेसिस की न्यूट्रलाइजेशन से पैदा होते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन से या इनको न्यूट्रलाइज करने से ये पैदा होंगे, साल्ट पैदा होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एसिड है आपके पास HCl, hydrochloric acid, then these are reacted to NaOH, sodium hydroxide, commonly named as caustic soda, इसे हम caustic soda भी कहते हैं। जब ये hydrochloric acid जो कि एक acid है और ये जो दूसरा जो कि एक base है, ये दोनों आपस में react करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये अपनी properties को neutral कर देते हैं।
एसिड अपनी प्रॉपर्टी को न्यूट्रल करेगा, बेस अपनी प्रॉपर्टी को न्यूट्रल करेगा, जिसके नतीजे में जो कंपाउंड पैदा होगा वो NaCl प्लस H2O आगे बनने वाले जो कंपाउंड होंगे वो भी क्या होंगे, न्यूट्रल कंपाउंड होंगे। जब इस कंपाउंड के अंदर NaCl के अंदर आप क्या करते हैं, कोई इंडिकेटर डालते हैं, लिटमस पेपर डालते हैं, तो उस पर वो कोई कलर शो नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों ने क्या किया, एसिड और बेस ने, इन दोनों ने अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज कर दिया है, इन दोनों ने अपनी अपनी प्रॉपर्टी को न्यूट्रल कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो नया कंपाउंड पैदा हुआ वो न्यूट्रल कंपाउंड, जिसके अंदर ना तो एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं ना तो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, दिस इज अ न्यूट्रल कंपाउंड। ये आपके पास एक न्यूट्रल कंपाउंड पैदा हुआ, और वाटर भी आपके पास एक क्या है डियर स्टूडेंट, न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक हो गया। इसके बाद उसने बात की है कि अब एसिड और बेसिस जो होते हैं डियर स्टूडेंट, ये अमूमन ये जो आपके पास साल्ट्स होते हैं ये आयोनाइजेशन से पैदा होंगे। अब होता क्या है, मैं एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल आपके पास, आपको याद होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब इसको आप आयोनाइज करते हैं तो ये आपके पास दो चीजें, एक हाइड्रोजन आयन और दूसरा क्लोराइड आयन पैदा करेगा। ठीक है, इसके साथ जब आप किसी बेस को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने रिएक्ट के कराया, तो जब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा जब ये आयनाइज हुआ तो इसने क्या किया, इसने एक आपके पास Na पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर दिया। अब साल्ट आयन से बना कैसे, हुआ ये कि आपके पास बेस से मेटैलिक एनायन, मेटैलिक केटायन, दैट इज कॉल्ड ये मेटैलिक केटाइन है, ये बेस का मेटैलिक केटाइन है, जबकि जब बेस का मेटैलिक केटाइन एसिड के नॉन मेटैलिक एनायन से मिलेगा, फॉर एग्जांपल मैं इसे यहां लिख रहा हूं, जैसा कि अब ये Na ये बेस का मेटैलिक क्या हो गया आपके पास केटाइन हो गया, जब ये किसी एसिड के जो नॉन मेटैलिक एनायन है Cl नेगेटिव क्लोराइड, इनके मिलने से क्या हुआ आपके पास NaCl सोडियम क्लोराइड साल्ट बन गया। कहने का मकसद क्या था, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो इस दौरान होगा क्या, तो जो बेस का जो मेटैलिक केटाइन होगा, सबसे पहले बेस आयनाइज हुआ, इसने सोडियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस किया, अब बेस का मेटैलिक केटाइन आके एसिड के नॉन मेटैलिक एनायन से आके रिएक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, बनने वाला कंपाउंड क्या होगा भला, वो आपके पास क्या होगा भला, वो साल्ट होगा। इसके अलावा उसने बताया कि हम साल्ट को नेम कैसे देते हैं, तो डियर स्टूडेंट आपको बता दूं कि याद रखें, जो साल्ट जिन साल्ट्स के आखिर में, जिन सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स के आखिर में SO4 या NO3 या Cl या फिर आपके पास इस तरह के कंपाउंड या PO4, ये जिनके आखिर में ये आए, जिन सब्सटेंसेस के आखिर में, मीन सल्फेट है, नाइट्रेट है, क्लोराइड है या फिर फास्फेट है, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं अकॉर्डिंग टू बुक, जो बुक में ये दिए गए हैं, तो इन्हें आप साल्ट्स कहते हैं। अब क्या होता है, बेसिकली अगर आपको याद हो, हमने आपको बताया कि बेस का मेटल जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो उससे क्या होगा आपके पास साल्ट क्या होगा प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एग्जांपल दे रहा हूं, NaOH था, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर बेस था तो आगे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा Na2SO4, मीन इस मेटल का, ये मेटल का क्या बन गया, साल्ट बन गया, तो सोडियम सल्फेट दैट इज आ, ये आपके पास क्या हो गया, ये मेटैलिक साल्ट हो गया, ये सोडियम का साल्ट हो गया। अगर यहां पर ये NaOH अगर होता और इसको नाइट्रेट, सॉरी ये आपके पास HNO3 के साथ रिएक्ट कराते तो आपके पास क्या आता, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, क्या आता, सोडियम नाइट्रेट। अगर यहां इसको आप NaOH को आप HCl के साथ रिएक्ट कराते तो क्या बनता है, NaCl सोडियम क्लोराइड। सो और इस तरह इसके नाम, यानी कि मेटल, जो बेस का मेटल होगा
वो उसका मेटेलिक आयन को वो क्या करेगा, वो रिएक्शन के अंदर वो साल्ट का नाम प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके बाद उसने बात ये करेक्टरिस्टिक्स की, इसकी बात किया बोला करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट की। तो पहला जो साल्ट था डियर स्टूडेंट, पहला जो पॉइंट है इसका, मैंने बताया दीज आर द आयोनिक कंपाउंड, साल्ट हमेशा आयोनिक कंपाउंड होता है एंड दे कंटेन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये आपके पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखता है, ठीक है। अब उसमें क्या है, मैं आपको आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में पहले बता चुका हूं कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला जो बॉन्ड होगा उसे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, और जिस सब्सटेंस के अंदर, जिस कंपाउंड के अंदर आयोनिक बॉन्ड मौजूद होता है, ऐसे कंपाउंड को आप आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल दी थी NaCl सोडियम क्लोराइड की, दैट इज द आयोनिक कंपाउंड। ये आपके पास एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है बेटा। इसके अलावा उसने बात की दैट एट द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मतलब कि इसके पास एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं सोडियम क्लोराइड की बात करता हूं, इट इज अ साल्ट। अगर सोडियम क्लोराइड की बात करूं तो सोडियम Na पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, यानी कि सीक्वेंस के साथ ये रिएक्शन करेंगे, मीन इसके यानी कि इसका पॉजिटिव सोडियम का पॉजिटिव नेगेटिव, अगर यहां क्लोराइड है नेगेटिव पॉजिटिव, अगर यहां फिर सोडियम है पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है, और इनके दरमियान क्या होती है, वो बॉन्डिंग होती है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगी, मीन कि इस सोडियम इस क्लोरीन इनकी पॉजिटिवली चार्ज्ड जो पार्टिकल है उसके और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के दरमियान ये देखें जो अट्रैक्शन पैदा हुई है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के दरमियान, इनके दरमियान, इनके दरमियान सो ऑन, एक क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड प्रोड्यूस होगा, और इस तरह इन कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, वो भी क्या होंगे बेटा, हाई होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि दीज कंपाउंड्स आर फॉर्मड बाय द आयोनिक बॉन्ड। इन कंपाउंड्स के अंदर आयोनिक बॉन्ड होता है जो कि इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और स्ट्रॉन्ग क्यों बॉन्ड होता है, ड्यू टू प्रेजेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन द सोडियम एंड क्लोराइड आयन। अगर हम बात कर रहे हैं NaCl की, सोडियम क्लोराइड की, तो होता क्या है कि सोडियम और सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। आपको ऑलरेडी बता दूं मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट से मुराद क्या था, आपके पास वो पॉइंट जब किसी चीज को, किसी सब्सटेंस को आप क्या करो, हीट करो और मेल्ट हो जाए, तो गर्म करने से, उसको पिघलाने से उसका जो क्या कहते हैं, जो टेम्परेचर होगा वो भी ज्यादा होगा, और बॉइलिंग पॉइंट को बॉइल करने का टेम्परेचर भी क्या होगा डियर स्टूडेंट, वो भी आपके पास ज्यादा होगा। इसके अलावा उसने आगे बात की है कि क्या होते हैं इसके पास, दैट कंपाउंड, इन कंपाउंड्स के पास वाटरप्रूफ क्रिस्टलाइजेशन भी होगा, मीन हर कंपाउंड, हर साल्ट के पास स्पेसिफिक वाटर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं, आपके पास कॉपर सल्फेट की CuSO4.5H2O, ये वाटरप्रूफ क्रिस्टलाइजेशन में इनकी क्रिस्टल्स के अंदर, इनकी कणों के अंदर स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर पाई जाती है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स वाटर के पाए जाते हैं। अगर कॉपर सल्फेट की बात की है तो इसमें 5 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम यहाँ बात करते किसकी भला, हम कैल्शियम सल्फेट CaSO4, उसके अंदर 2 पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब दीज वाटर क्रिस्टलाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द शेप, ये बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड, ये सब्सटेंस को शेप देते हैं। जैसा कि आपके पास साल्ट था, साल्ट की शेप, अगर मैं यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं, इसकी ये कॉपर सल्फेट, इसकी ये कॉपर सल्फेट जो है, इसमें क्या होगा, आपके पास सल्फर के साथ 2, ठीक हो गया, इसके पास एक ऑक्सीजन कॉपर, ये स्ट्रक्चर होती है। इसके साथ ये क्या करते हैं, हर के साथ एक वाटर, और क्या कहते हैं, एक वाटर अटैच होगा, एक दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल, ये फोर्थ वन, ये इस तरह देखिए, इसको उसने स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दे दी है। तो कहने का मतलब क्या था, 1
टू थ्री फोर फाइव। कॉपर सल्फेट के पास पांच मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं और ये क्या करते हैं, दे गिव द शेप ऑफ क्रिस्टल। ये उस क्रिस्टल को, उस जो साल्ट की जो कलम होती है, क्रिस्टल होता है, उसको स्पेसिफिक शेप देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट। इसके बाद उसने बात की है कि एक बात की है, जो आपके पास साल्ट बनता है इसके लिए क्या होना, इसके लिए चार्जिस का होना, चार्जिस का इक्वल होना जरूरी है, नेसेसरी है, जबकि रेडिकल्स का इक्वल होना जरूरी नहीं है। दोबारा सुन लें, साल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें जो चार्जेस होते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे, इनका इक्वल होना नेसेसरी है, जबकि रेडिकल्स का इक्वल होना नेसेसरी नहीं है। इसमें साबित करूंगा, फॉर एग्जांपल NaCl, इसमें ये आपके पास एक साल्ट है, इसमें दो रेडिकल्स हैं, एक सोडियम Na, इसको ये पॉजिटिव, और दूसरा क्या है आपके पास क्लोराइड Cl नेगेटिव। अब इसमें क्या है देखें तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, दोनों चार्जेस इक्वल हैं, जबकि रेडिकल एक सोडियम आयन, एक पॉजिटिव रेडिकल है, एक नेगेटिव रेडिकल है, यानी कि इसके रेडिकल्स भी और चार्जेस भी दोनों इक्वल हैं, तो ये साल्ट है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम MgCl टू मैग्नीशियम क्लोराइड की, तो क्या होगा, Mg मैग्नीशियम पर क्या होता है, टू पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके साथ क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज। अब देखें यहां पर चार्ज, एक क्लोराइड का चार्ज ये, एक ये, दो नेगेटिव चार्ज आ गए, और इसके साथ भी दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो अब दो नेगेटिव दो पॉजिटिव चार्जेस के इक्वल होने से ही क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड बना। तो साबित हो गया कि साल्ट्स के बनने के लिए चार्जेस का इक्वल होना इंतहाई जरूरी है, जबकि रेडिकल, अगर इसके अंदर रेडिकल्स देखें तो मैग्नीशियम का एक रेडिकल है मैग्नीशियम का, जबकि इसमें एक और दो रेडिकल्स हैं क्लोराइड्स के, तो यहां पर जो रेडिकल्स हैं वो इक्वल नहीं है, तो फिर भी जो बनने वाला कंपाउंड है वो न्यूट्रल है और वो साल्ट है। तो साबित हो गया किसी भी जो साल्ट का कंपाउंड है बनने के लिए उसके चार्जेस का इक्वल होना जरूरी है। यहां पर देखें ये चार्जेस सोडियम को, ये मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर क्लोरीन के दो नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के भी दो पॉजिटिव चार्ज के मिलने से ही क्या बना, आपके पास MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट बन गया, जबकि आपके पास जो था, जो रेडिकल्स हैं, अगर रेडिकल्स को देखें कि आपके पास दो जो रेडिकल क्लोराइड के हैं, एक मैग्नीशियम का है, यानी कि 1:2, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो साबित हो गया कि कंपाउंड के लिए जरूरी नहीं है कि रेडिकल्स भी, या साल्ट्स के लिए जरूरी नहीं है कि रेडिकल्स भी इक्वल हों, साल्ट्स के लिए जरूरी है, तो उसमें मुझे जो चार्जेस होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो क्या हों, इक्वल हों।